जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्याण करेंगी दोस्तों साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण बीस अप्रैल दिन गुरुवार को लगने जा रहा है यह एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा जिसमें तीन प्रकार के सूर्यग्रहण देखने को मिलेंगे एक ही दिन सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं भारत में दिखाई देने का सही समय क्या होगा साथ ही साथ यह सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा इसका सूतक के नियम मान्य होंगे कि नहीं और सूतक काल कब से शुरू होगा कब समाप्त होगा ऐसे कई सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बीस 20 अप्रैल 2023 को लगने वाले सूर्यग्रहण के बारे में कि इसका सही समय क्या होगा यह सूर्यग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और सूतक लगने का समय क्या होगा सूतक कब से शुरू होगा कब समाप्त होगा संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण बीस अप्रैल 2023 को सुबह सात बजकर चार मिनट पर प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर बारह बजकर उनतीस मिनट पर समाप्त होगा यह सूर्य ग्रहण चीन कंबोडिया, अमेरिका माइक्रोनेशिया मलेशिया फिजी जापान हिंद महासागर दक्षिणी प्रशांत महासागर पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया फिलीपींस, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थाईलैंड सिंगापुर जापान इत्यादि देशों में दिखाई देगा यह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा बात करें सूतक काल की तो ग्रहण के बारह घंटे पहले सूतक लग जाता है तो साल 2023 का जो पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है 20 अप्रैल को उसका सूतक काल 19 अप्रैल की रात्रि सात बजे से प्रारंभ हो जाएगा जो कि सूर्य ग्रहण के साथ ही 20 अप्रैल को दोपहर बारह बजकर उनतीस मिनट पर समाप्त हो चूंकि यह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतक काल भारत के लिए मान्य नहीं होगा सूतक काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मूर्तियों को ढक दिया जाता है सूतक लगने से पहले तुलसी की पत्तियाँ तोड़ ली जाती है कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही रहती है भारत के लिए सूतक से संबंधित कोई भी नियम माने नहीं जाएंगे लेकिन हाँ ग्रहण के समय आपको सावधानियाँ बरतनी होंगी क्योंकि सूर्य तो एक ही है और जब सूर्य पर ग्रहण लगा हो तो पूरी पृथ्वी पर ही ग्रहण लग गया है आप मानिए या ना मानिए साइंस इसको नहीं मानता लेकिन हम पुराने समय से ही इन चीज़ों को अपनाते आ रहे हैं हम डरे रहते हैं इसलिए हमें इस दौरान कुछ सावधानियां एवं उपाय अपनाने पड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं को खासकर सावधानियां ग्रहण के दौरान ज़रूर अपनाना होगा भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है हाँ क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती है जो कि गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर डालती है इसी कारण से ग्रहण के समय इसको खास सावधानी बरतने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी जाती है जैसे ग्रहण लगा हो तो आप बाहर ना निकलें अगर आप जिस घर में बंद हैं वहाँ खिड़कियों से सूर्य की रोशनी आ रही है तो खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दें आप नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचें बालों में कंघी ना करें नाखून ना, ना काटें दातुन मंजन ना करें क्रोध ना करें आप अपने तथा अपने घर में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए ग्रहण शुरू होने से पहले पानी में तुलसी डालकर पी लें एवं अपने साथ एक पानी वाला नारियल अवश्य रखें ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा ग्रहण उपरांत इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें ग्रहण समाप्ति पर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें घर एवं पूजा स्थल की शुद्धिकरण करें दान स्वरूप कुछ अवश्य निकालें क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया दान दस गुना लाभ देता है ध्यान रहे दान वाली सामग्री आपको सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले निकाल कर रख लेना है दान में आप कंबल चावल पैसा वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं गाय को चारा एवं पक्षियों को दाना अवश्य डालें इससे ग्रहण का शुभ प्रभाव कम होगा उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स